नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा राज्य के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और संबंधित क्षेत्र पुनर्द्वार लाभकारी दृष्टिकोण के तहत वर्ष 2018-19 के लिए लगभग 107 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। यह जानकारी सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ढेसी की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की त्रिमासिकी समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि इस योजना का उद्देश्य किसानों के प्रयासों को मजबूत बनाने, जोखिम के निवारण के माध्यम से कृषि के काम को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने और कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देना है।